टल जबो बचाओ कलेक्टर टल जबो बचाओ कलेक्टर मैडम शर्म करो शर्म करो शर्म करो कार्यक्रम नहीं होगा 26 जनवरी के लिए निरस्त किया जाता है। ऐसा नहीं कहा ऐसा नहीं कहा वीडियो वायरल हो गया वीडियो के आधार पे आप लोग आपको बता रहे कन्याशाला के प्रिंसिपल ने बहस भी की मैडम मेरे को आप लिखित में दे दो ये कहा कि नहीं कहा ये आप बताओ क्यों नहीं बोला इसमें सुन लो आप वीडियो बताओ मैं आपको बता रहा हूं वीडियो बता रहे हैं ना साथ बता रहा हूं और यदि वीडियो है आपसे चोरे ने पूछा भी कि आप कारण बताओ तो आपने क्या कहा कि मैं अभी नहीं बता सकती बोला कि नहीं बोला आपने हम झूठा झूठा प्रूफ नहीं कर रहा मैडम मेरे को किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा नहीं तो आपने ऊपर कोई दबाव था ये सुनिए आप वीडियो में आप हो कि कोई और है नहीं तो सुनो ना मेरे उसका आदेश नहीं आया पर मुख्य ग्रुप में आपको तो कलेक्टर होती है इसमें थोड़े तो लिरिक्स वगैरह चेक कर देंगे तो ये लिरिक्स में क्या है प्रभु श्री राम के गाने से क्या दिक्कत है आपको 26 जनवरी को नहीं किया जाएगा मना किया आपने मेरी बात सुनो सुबह 2 बजे तक कार्यक्रम 2 बजे बाद आप लोगों ने जैसे विरोध का जो चला इधर उधर तब जाके फिर कलेक्टर साहब ने अपने पेज से लिखा कि ये हम स्पष्टीकरण करते हैं भ्रामक जानकारी जब वीडियो आपका वायरल होने के बाद आप लोगों ने कहा इसके पहले आप लोगों ने निरस्त किया कि ये कार्यक्रम नहीं होगा इस पे कहा मैडम क्यों कहा मैडम मैं आपको बता रहा नहीं आपके ऊपर कोई दबाव था आप कोई आदेश था मौखिक रूप से या लिखित रूप से तो आप ऐसा बताइए या तो फिर आप ये स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहे हैं सुनाई दे रहे हैं क्या ये गलत है प्रमाण ये गलत है नहीं किया हम गलत है तुरंत मीडिया के बंधुओं ने ब्रेकिंग न्यूज भी उसको डाली लिखी थी कि कलेक्टर महोदय का आदेश है 26 जनवरी को प्रभु श्री राम के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बन रहा है छात्राओं ने रिहर्सल कर ली उसको 26 जनवरी को नहीं किया जाएगा ये आदेश है तब आपसे कन्याशाला की प्रिंसिपल मैडम ने ये कहा कि मैडम आप मेरे को लिखित में दे दो तब जाके मैं ये कार्यक्रम नहीं करवाऊंगा नहीं, नहीं हुई क्यों नहीं हुई इसका ये अभी हम आपको बता रहे हैं ना ये नहीं हुई ये जो आप हमको मैडम ने बोला और क्या वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर आपके ऊपर दबाव था नहीं नहीं ऐसा नहीं है हम तो आपको ये वीडियो बता रहे हैं ना और मेरा आपसे आपको क्लेरिफिकेशन देखो नहीं हो रहा है या तो मैडम के ऊपर कोई दबाव आप हमारे विद्यार्थियों को बता दीजिए सुनो रोहित जी समस्या का समाधान भी निकालना पड़ेगा ऐसा नहीं आप हमारे विद्यार्थियों और संपूर्ण हिंदू समाज को ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए अभी आप श्री राम के चरित्र के ऊपर जो कार्यक्रम शास्त्र तैयार हुआ था वो 26 जनवरी को होगा वो प्रस्तुति ये आप स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि उस वीडियो में आप भी हो अभी और उसके बाद में लिखित रूप से आप आदेश जारी करिए तब जाके स्पष्टीकरण होगा या तो ये वीडियो जैसे अभी आप बोल रहे हैं हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए हाँ आप लिखित रूप से जारी कीजिए और ये जो जितने भी प्रोग्राम रिहर्सल में जो आए थे वो सभी प्रोग्राम निश्चित रूप से 26 जनवरी के कार्यक्रम में सम्मिलित आप विद्यार्थियों के समक्ष ये स्पष्टीकरण दीजिए प्रभु श्री राम के चरित्र के ऊपर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार छात्राओं ने किया वो 26 तारीख को होगा ये आप बोलो वो मान्यता श्री राम के ऊपर जो भी नृत्य नाटिका बनी है वो पूरा प्रोग्राम 26 तारीख को होगा ठीक है इसका लिखित रूप से भी आदेश हो जाए जारी तो ठीक रहेगा काका बाबा बदन राम राम हूँ आवी गयो तुम्हारी उस मौके पर मार खबर ली जेवी रीते बात करी कि अयोध्या में राम मंदिर बन्यो एनी बाद देशभर में राम भगवान जय जयकार थायो एनी बात अलग अलग माध्यम थी यानी कि 26 जनवरी ने दिन भी तीनी झांकी या तिहुनी नृत्य करवावाला जे छोरा से त्या छोरा छोरी जे स्कूल में भणवाला ते एक नाटक ने माध्यम थी एक प्रस्तुति करे लेकिन झाबवा जिला में जिला प्रशासन ने कीधु ते प्रस्तुति राम भगवान ने प्रति नहीं थवी जोवे इना विरोध में आज एबीपी ना जो छात्र संगठन से ते आज कलेक्टर कार्यालय में आया ते धरना प्रदर्शन कर्यु हमारी हाथ जे पदाधिकारी से तिहुनी पूछ्यु कि भाई हूँ कल थाय तो हूँ आज नाराबाजी करते लगे कलेक्टर हाय हाय तो केम है हूँ हूँ झगड़ो भराई गया तुम्हारा झगड़ो ते जो प्रैक्टिस करवा गया था तिना नमी पूछो तो तिने कह दो कि ऐसी मैडम आई थी तिने कह दो कि कलेक्टर नो आदेश आयो है तो कार्यक्रम निरस्त थी गयो है हमें ओछियो कि कलेक्टर एम के आदेश काटी सके देश भर में भगवान राम ने कार्यक्रम चाली रहा थी रहा
तो हमें फिर जानकारी निकाली कि वास्तव में सही है गलत है। तो वीडियो वायरल में देखियो फिर लोगों ने पूछियो तो बात सही निकली। तो मैं फिर वो कि कलेक्टर ने घेराव कर पूछिए कलेक्टर ने कहती ने निरस्त करो कि केम करिए एम क्योंकि भगवान राम देश भर में कार्यक्रम थी रहा तो अपना झाबुआ जिले में केम नहीं था। तो तीना संदर्भ में मैं आज प्रदर्शन करियो है तो एसी मैडम ने जो बात कीधी थी कि कार्यक्रम निरस्त थी रो है तो एसी मैडम की रही कि मैं नहीं कहूँ एम की रही लेकिन वास्तव में जो वीडियो वायरल थो इन में एसी मैडम सही की रही कि कार्यक्रम निरस्त कलेक्टर का मैडम ही करियो है एम की रही। तो अमारू ये कहव है कि जिला में कार्यक्रम केम नहीं थे सके राम हमने एसी मैडम आवे लेकिन कार्यक्रम था है हेम की रही हा नहीं ये बे बदली बात करी ना ने जिला प्रशासन कीरो के कार्यक्रम जब पहले ही नहीं अगर जारी करियो तो के निरस्त करना क्यों हमने की रहा कि हमें ये भी कोई जानकारी नहीं आली तो तुम बेबदली बात क्यों करो जब भगवान राम देश भर में कार्यक्रम थे रहा तो 26 जनवरी बे कार्यक्रम था जो सांस्कृतिक मेरे कार्यक्रम ने टारगेट करी नहीं निरस्त करना क्या तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी गलती है। ये जो कार्यक्रम होते 26 जनवरी का हमारा राष्ट्रीय पर्व से और तीना राष्ट्रीय पर्व में हमारी कुछ छात्राओं हमने प्रभु श्री राम ने प्राण प्रतिष्ठा थाई गांव गांव जो माहौल और प्रभु श्री राम ना जो चरित्र उतेलो माता सबरीना केवी रीते झूठा बेर खाधा है वो यो समरसता नो भाव पर प्रभु श्री राम ना चरित्र तो हम कहीं ना कहीं देखा है। इना चरित्र ना ऊपर इना व्यक्तित्व ना ऊपर एक कार्यक्रम हमारे छात्राओं ने तैयार कियो और तिना कार्यक्रम ने 26 जनवरी नो प्रस्तुत करवानो एवी बात थाईली। पहली प्रशासन ने कह दू कि हाँ करवानो बाद में कह कि हमारा यह राष्ट्रीय पर्व है और इना पर्व में बोले श्री राम नो कार्यक्रम नहीं था है तो तीनों एक वीडियो वायरल था तीमा जहाँ विद्यार्थी होता है तीन कह मैडम क्यों नहीं होगा क्या प्रभु श्री राम तो हमारा आराध्य विश्व नो त्रेता युग नो हमारो राम तेना राम भगवान ना चरित्र पर कार्यक्रम केम नहीं था बोले तो ये एवं रीते कहीं ना कहीं हमें खबर मालूम पड़ी बता हिंदू समाज ना कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद ने भी कहती कि बता मड़ी ना अपनी कार्यक्रम जो नहीं थवा दे रहा है ना कलेक्टर ना विरोध करवा जाए केम की कहीं ना कहीं कलेक्टर मैडम जो है वो हिंदू विरोधी मानसिकता या अधिकारी भी है या हिंदू विरोधी मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई रही है कि प्रभु श्री राम ना चरित्र पर कार्यक्रम करवो मतलब आदमी ना जीवन नो कल्याण थी जाए क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो मैसेज आलो विश्व में देश भरना समाज में लोगों के रीते समाज में रहू के रीते नीति नियम पर काम करने केव जीवन जीवा तीनी हमें सीख मिले और त्यो अगर राष्ट्रीय पर्व दिवस पर अगर त्यो कार्यक्रम हमारी जी शौर्य भणवाड़े जी करे तो तीन में कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और अगर यो कार्यक्रम नहीं करवा दे तो ये प्रशासन पहला के हम नहीं करवा दिए बाद में हाव जित्र विरोध है विरोध हवा बाद के यो कार्यक्रम था है तीन हारो हमें विरोध करियो विरोध करी जिन्हें जिन्हें कह दिलू जिन्हें जिन्हें कर्मचारी अधिकारी कह दिलू तीन हमें कह दू कहा भी स्पष्ट करे हिंदू समाज की भावनाओं में ठेस पहुँची रही हिंदू समाज का नावीन माफी मांगे तो जीव रीते ऐसी ट्राइबल आवेली तीन आवीन कह दू कि प्रभु श्री राम नो कार्यक्रम था है मैं कह दिलू पर कहीं ना कहीं ते मारो एवं कहवानो बात नहीं हतेली पर जीव रीते मन मालूम पड़े कि यह भ्रामक जानकारी तो फिर तीनों आवीन स्पष्ट करियो तो ये रीते बात करें कि जो 26 जनवरी ने जन जो झंडा वंदन था तीन जन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज ग्राउंड फिजिक ग्राउंड में था तीन कार्यक्रम में अलग अलग झांकी निकाला है तीन में भी राम भगवान ने पर चरित्र तीन जीवन पर आधारित नाटक था नृत्य था तो तीन पर विरोध था बाद छात्र संगठन विरोध के बाद एसी ट्रैवल खुद आवे तीन माफी मांग लेती लेकिन एक एम भी बात कह दू पहले तीन वीडियो में कि हम नहीं कर हूँ हाव की हाथ जोड़ी के हाउ कर है तो कार्यक्रम हा है ये इतनी भी बात है तो बेतरफ ना अधिकारी भी देखा है क्योंकि मीडिया में जब आईनो बताड़ो ना खरी ने खोटी बताड़ी तो मीडिया वालों की ना किया झूठा से हाँ तमु खुद कह दू खुद गायणों गाव्य थोड़ी भी खुद रिया अन तमु बीजान की रहा पहली कहावत से कि नहीं डहा डहा बड़ी कहावत में आवे इतनी बड़ी गड़े देखा रहे अधिकारी ने कहाँ ठीकरू फोड़वा कहाँ भट्टो मारवा यो जमानो है वो दिखाई रहा हूँ ना अधिकारी ना क्योंकि हम जाने के बने लेकिन अधिकारी बने हैं तो बता रहे बुद्धि जी वो है लेकिन वो देखा ही नहीं ठीक रूप बीजा पर फूटी रहा
जबकि ठेकरू खुद ती हुई खाडो खोद बीजा खोद लेकिन खुद नो खाडो तुम घड़ी ढेकड़े दबड़ी गया मत बीजाने पड़ गया तो ये हेवी रीतनी बड़ी बात से हूँ तुम्हारी उसमें फेर हेवी रीतनी खबर जानकारी लेने आप पहले तो हूँ ये एसी मैडम ने एक बयान सांभो यही हूँ कह दूस पहले भी पहले बोला था कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं किया था जी कोई प्रोग्राम पिछले निरस्त नहीं हुआ था अभी भी कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं किया है नहीं सुबह का आपका वीडियो है जिसमें आपकी आप उसमें मैंने ये नहीं बोला कि निरस्त किया है प्रोग्राम सीधे यही कहा था कि वो प्रोग्राम होगा नहीं नहीं होगा लिखा था और प्राचार्य से आपकी बहस भी हुई है लिखने में कुछ भी लिख सकते हो वीडियो का प्रमाणित है मैडम हम कैसे कुछ भी लिख सकते हैं मैंने नहीं बोला क्योंकि मैंने बोला ही नहीं वो चीज मैडम आपकी बहस हो रही है प्राचार्य से बहस हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैंने बोला ही नहीं बात करने को बहस नहीं कर सकते आप पीछे से कुछ भी वीडियो बनाओगे नहीं नहीं वो बोल रहे हैं कि राम वो बोल रहे हैं कि राम की प्रस्तुति के लिए आप कैसे बंद कर सकते हैं ये प्राचार्य ने बोला और आपने बोला कि इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी ये आपका उसमें वीडियो में ऑलरेडी बाइट है आपकी हां तो मैंने उस समय जो बात हुई थी वही बात बोली थी सामाजिक समरसता को लेकर भी उनके द्वारा बात की निरस्त का नहीं बोला और उन्होंने ये भी बोला कि मैडम जब पूरे प्रदेश देश में ये काम चल रहा है और पूरा देश राममय है ऐसे में ये प्रतियोगिता के ये कार्यक्रम क्यों निरस्त किया जा रहा है निरस्त का तो बात ही नहीं हुई ना निरस्त का तो बोला ही नहीं है फिर ये प्रस्तुति वहाँ पर क्यों रिहर्सल नहीं की गई चलो नहीं बोला प्रस्तुति हुई प्रस्तुति अगर होता है रिहर्सल क्यों नहीं होती अगर निरस्त होता तो एक दिन पहले ही निरस्त हो जाता रिहर्सल क्यों होती फिर नहीं वहाँ से रिहर्सल खत्म कर दी उन बच्चों को कह दिया कि आपकी ये प्रस्तुतियाँ नहीं होगी उसके बाद आप झूठी बोल रहे हो क्योंकि मैंने तब भी नहीं बोला था अरे मैडम आपका वीडियो वायरल हो रहा सपना आ रहा है मीडिया को सपना आएगा क्या अरे तो आप प्रशासन एंटी हिंदू जो चला और आप कह रहा कि मतलब आज मीडिया झूठ बोल रहा है नहीं तो जब करा ही नहीं तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं आपकी मैडम से ही बहस हुई है सच में वीडियो तो आपका है ना अभी वो भी प्रमाणित कर रहे हैं वीडियो तो हां तो उसमें भी मैंने ये नहीं बोला है कि निरस्त हुआ निरस्त आप बोल रहे हो निरस्त तो हुआ ही नहीं और अगर निरस्त होता तो रिहर्सल कैसे होती निरस्त मैडम हो सकता है अभी आपके ऊपर आपके प्रशासनिक अधिकारी का दबाव हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो सुबह कुछ और मैसेज से आपकी बहस हुई हम तो वहां थे ही नहीं निरस्त नहीं हुआ है अगर निरस्त होता तो रिहर्सल क्यों होती मैडम मीडिया तो वहां थी नहीं आपके लोगों ने वायरल करा और उन्होंने ही बताया मीडिया तो वहां था ही नहीं उन्होंने बोला कि एसी ट्राइबल ने निरस्त करा है निरस्त हुआ ही नहीं अगर निरस्त होता तो होता ही नहीं प्रोग्राम ठीक है थैंक यू सभी